वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन जो हैं हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का एमवा पद एन है और एनवा पद एम हो, तो सिद्ध करो कि आरवा पद जो है वो एम इंटू एन बटे आर तथा एम इंटू एनवा पद जो है वो वन होगा। तो करने का तरीका वही है जो पिछली वीडियो में बताया था, बस कंडीशन क्या है, हरात्मक श्रेणी का कोई भी टर्म्स होगा उसको बस पलट देंगे। पलटने से क्या होगा, वो समांतर श्रेणी के रूल्स में आ जाएगा। समांतर श्रेणी के रूल्स के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसको हरात्मक श्रेणी में आंसर लेने के लिए उस हर समांतर श्रेणी के टर्म्स को फिर पलट देंगे। तो इस तरीके से आपका हरात्मक श्रेणी का टर्म्स आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है एमवा पद जो दिया है वो एन है और एनवा पद जो दिया है वो एम है। ये दो हमें दिए हुए, दो कंडीशन दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हरात्मक से आपको इसके टर्म्स को पलट देना है। कहने का मतलब, अगर समांतर श्रेणी का एमवा पद एन है तो ये एनवा पद एम होगा। तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये तो है एचपी में है, तो समांतर श्रेणी में अगर हम एमवा पद निकालते हैं तो ये वन बटे एन हो जाएगा और एनवा पद जो होगा वन बटे एम हो जाएगा। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये एपी के फॉर्म में आ जाएगा। आज जब इसके टर्म्स हरात्मक श्रेणी के टर्म्स को अगर हम पलट देंगे तो वो एपी के टर्म्स में आ जाएगा। एपी के टर्म्स जो होती है वो समांतर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करेगा। अगर समांतर श्रेणी का एमवा पद जो है एक बटे एन है और समांतर श्रेणी का एनवा पद एक बटे एम हो, तब उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, उस श्रेणी का सबसे प्रथम पद को ए मानेंगे और सार्वअंतर को डी मानेंगे। तो हम क्या कहते हैं, पहला पद ए और श्रेणी का सार्व अंतर डी है, ये हमने मान लिया। इस तरीके से ऐसे मान लेंगे। मानने के बाद आपको सीधे सीधे जनरल फार्मूला लगाना है समांतर श्रेणी के एनवा पद का। जो फार्मूला होता है tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले के हिसाब से जो भी टर्म्स होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पे n जो है पदों की संख्या है, उसी तरीके से यहाँ पे m जो है वो पदों की संख्या होगी, उस श्रेणी के पदों की संख्या जो है वो m है और n में इस श्रेणी में पदों की संख्या n है। इस तरीके से हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अब पुट करते हैं तो इस तरीके से पहला पद को हमने ए मान लिया, सार्वंतर को डी मान लिया। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमवा पद निकालना है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये की फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम एक बटे एन कर देते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसी तरीके से, और एमवा पद इसी तरह से एनवा पद निकालते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका इसमें जो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो एनवा पद जो है वो एक बटे एम है इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको इक्वेशन टू मान लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे पहली और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर इन दोनों के टर्म्स का साइन अगर सेम होता है तो हमेशा माइनस करेंगे। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन टू को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों के टर्म्स का बीच में साइन जो होता है सेम होता है तो माइनस करते हैं, अगर टर्म्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, इसमें इन दोनों के बीच का टर्म्स जो है प्लस है, इन दोनों के बीच का टर्म्स जो है प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तभी ये कैंसिल होगा। तो इसमें से कोई एक टर्म्स को आपको सेम करना है, तो एक बटे एन
इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी एक बट्टे एम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका हो गया। सीधे सीधे इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस करना है यहाँ पे, इस तरीके से दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो एक बट्टे एन माइनस एक बट्टे एम इज इक्वल टू, अब इसमें से डी कॉमन ले लेंगे, तो डी जब कॉमन लेंगे तो एम माइनस वन, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन है, एन माइनस वन इस तरीके से ले सकते हैं। दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, इसमें दोनों में से डी कॉमन ले लिया। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है। अब आपको इसमें क्या करना है, डी एम माइनस वन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन प्लस वन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आया डी इंटू एम माइनस एन, ये आया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से एम इंटू एन एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, एम माइनस एन हो गया। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एम इंटू एन एम माइनस एन इज इक्वल टू डी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपान एम एन इज इक्वल टू सार्वंतर डी निकल गया, यानी कि सार्वंतर आपका डी इज इक्वल टू वन अपान एम एन आ गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन टू था। आपको इस डी की वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन वन में रख देते हैं, यानी कि आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन टू में रखिए, और आपको इसमें आपको सर्वांतर पता चल गया, प्रथम पद निकाल लीजिए। तो जब प्रथम पद और सर्वांतर पता चल जाता है, तो हम किसी भी टर्म्स का कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा वन बाई एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन, और डी की जगह वन अपान एम इंटू एन ये रख दिया, वन बाई एन इज इक्वल टू ए। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वन बाई एन हो जाएगा, ये माइनस वन वन अपान एम इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि एम कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई एन बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म सीधा आएगा तो वन अपान एम एन हो जाएगा, और ये वाला टर्म सीधा आएगा तो वन बाई एन माइनस वन बाई एन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला इधर चला गया। तो इस तरीके से आपका क्या निकला, ए इज इक्वल टू वन अपान एम इन टू एन। तो कहने का मतलब है इसमें प्रथम टर्म्स जो आया ए की वैल्यू जो है वो वन अपान एम इन टू एन इसमें भी आ रहा है, यानी कि प्रथम पद जो है वन अपान एम इन टू एन है, सार्वंतर भी वन बाई एन है, वन बाई एम इन टू एन है। अब हमें क्या चाहिए, अब जो पूछ रहा है हमें श्रेणी का एमवा पद एन था, एनवा पद एम था, तो इनकी मदद से हमने प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है आरवा पद जो होगा वो ये होगा और एम इंटू एन बटे आर तथा एम इंटू एनवा पद जो होगा वो वन होगा। सिंपल सा वही, प्रथम पद ए सर्वांतर डी, श्रेणी चाहे कोई भी हो उसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ले लिया। अब उसका हमें क्या निकालना है, आरवा पद, तो आरवा पद निकालते हैं टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे जो टर्म्स होगा वो यहाँ पे भी होगा, एन की जगह आर हो जाएगा। अब देखिए पहला प्रथम पद एम वन बाई एम इंटू एन हो गया और आर माइनस वन और डी है वन अपान एम इंटू एन, सॉल्व कर लेते हैं वन एम इंटू एन आर बटे एम इंटू एन माइनस वन बटे एम इंटू एन, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, आर बटे एम इंटू एन ये आपका आरवा पद हो गया। तो ये आपका आरवा पद किसका हो गया, ये एपी के फॉर्म में है, ये समांतर श्रेणी का आरवा पद है। तो हरात्मक श्रेणी का आरवा पद क्या होगा, तो हरात्मक श्रेणी का आरवा पद जो होगा यानी कि इसके टर्म्स को पलट देंगे एम इंटू एन बटे आर, तो ये आरवा पद आपका ये निकल रहा है। तो एपी का जो टर्म्स निकलेगा हरात्मक श्रेणी में टर्म्स लेने के लिए उस टर्म्स को हम पलट देंगे, पलटेंगे तभी आपका आंसर निकलेगा, तो ये आपका आ रहा है, प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। अब इसी तरीके से एम इंटू एनवा पद वन जो है वो निकालते हैं, तो टी एम इंटू एन ये एम इंटू एनवा पद निकालना है, तो एम इंटू एनवा पद जो है वो वन है, तो ए प्लस एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी इस तरीके से निकाला। इसमें पहला टर्म्स क्या है, पहला टर्म्स है वन अपान
एम इंटू एन, ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाया है, आपको हरात्मक श्रेणी में लेने के लिए उसको पलटना पड़ेगा। अब एम इंटू एन माइनस वन और डी कितना है, वन बाई एम इंटू एन। अब देखिए वन बाई एम इंटू एन प्लस एम, मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, तो ये वन हो जाएगा, ये माइनस वन बाई एम एन हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो वन आएगा। तो इससे क्या मतलब है, एम इंटू वन का समांतर श्रेणी में जो टर्म्स आ रहा है वो वन आ रहा है, ये ए पी में है, हमें इसको एच पी में लेना है, एच पी में लेने के लिए इसको जब पलटेंगे तो वन ही आएगा, तो एच पी में भी इस नंबर वन को पलटने पे वन ही आएगा आंसर। तो इस तरीके से ये भी आपका आ रहा है, एम इंटू एन का पद वन होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हरात्मक श्रेणी में अगर टर्म्स दिया उसको पलट देंगे वो समांतर श्रेणी में आ जाए, समांतर श्रेणी का जो रूल्स बताया गया उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हरात्मक श्रेणी को आप डायरेक्ट बेस पे नहीं कर सकते, आप उसको समांतर श्रेणी में लाना पड़ेगा, अगर हरात्मक श्रेणी सीरीज में है तो उसको समांतर सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा है यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यू आर है, क्यूवा पद पी आर है, तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बस आपको सॉल्व करना है। मान लेते हैं समांतर श्रेणी का पहला टर्म जो है वो ए है, सार्वंतर डी है, इसको मान लिया। अब इसमें डायरेक्ट हम करते हैं, यहाँ पे टी पी की वैल्यू जो है वो क्यू आर है और टी क्यू की वैल्यू जो है वो पी आर है, तो ये किस में दिया है, ये एच पी में दिया है, तो ए पी में लेने के लिए, ए पी में लेने के लिए वन अपान क्यू आर हो जाएगा और टी क्यू इज इक्वल टू वन अपान पी आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ले लिया ए पी में। अब जब ए पी में ले लिया तो ए पी में हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए माना, सार्वंतर डी माना, तो बस सॉल्व कर दीजिए, टी पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो ये वन अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह से डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो वन अपान पी आर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हमने इसको डायरेक्ट हमने फार्मूला में डायरेक्ट रख दिया, तो टी क्यू की जगह हमने वन अपान पी आर कर दिया, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से टू को घटाने पे तो घटाते हैं, देखिए तो वन अपान क्यू आर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो वन अपान पी आर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे, क्या आया वन अपान क्यू आर माइनस वन अपान पी आर, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा, इस तरीके से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में साइन बदल जाएगा, अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसमें से वन अपान का वन अपान आर कामन लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी, अब ये हो गया डी इजक्वल टू पी माइनस क्यू हो गया सॉल्व करने पे। अब इसमें पी क्यू, अब इसमें एलसीएम क्या लेंगे पी क्यू, तो पी क्यू जब एलसीएम लेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ पे पी क्यू आर हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे क्या आया, सॉल्व करने पे p माइनस क्यू पी क्यू आर, तो मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी p माइनस क्यू, तो ये हो गया d, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा पी क्यू आर, ये सार बनता d आ गया। हाँ, अब इसके बाद इस सार्वंतर की वैल्यू चाहे हम फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, तो यानी कि हम किसी में रख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो वन अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन, डी की जगह क्या रखना है वन अपान पी क्यू आर, इस तरीके से रख लिया। तो वन अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए, हाँ ए की जगह ए की वैल्यू निकालना है, तो p इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू आर माइनस वन अपान पी क्यू आर, तो p से p कैंसिल वन अपान क्यू आर ए वन अपान क्यू आर माइनस वन अपान पी क्यू आर, तो ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म्स इधर जाएगा तो वन अपान पी क्यू आर हो जाएगा, तो ये आ गया। तो
तो इसमें भी प्रथम पद जो है ये जो है वन अपन पी क्यू आर ही आ रहा है, तो है बहुत इजी सिंपल सा, बस आपको सिद्ध करना है कि आरवा पद जो होगा वो पी क्यू होगा। तो आरवा पद निकालते हैं, टी आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना है वन अपान पी क्यू आर, आर माइनस वन, और डी कितना है वन अपान पी क्यू आर, एलसीएम इसमें वन अपान पी क्यू आर प्लस आर अपान पी क्यू आर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपान पी क्यू आ जाएगा। तो ये आरवा पद हो गया। तो है वही चीज, अब ये क्या है, ये एपी में टर्म्स में आया आरवा पद, एचपी में आरवा पद जो होगा वो पी क्यू हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। ये एचपी में है, एचपी में आरवा पद ये है पी क्यू, तो ये देखिए आपका सिद्ध करने पे आरवा पद पी क्यू आ रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित राशियों का हरात्मक माध्य निकालो, दो राशियां दी हुई हैं तो दोनों के बीच में हमें हरात्मक माध्य निकालना है। तो हरात्मक माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए ए बी सी इन एच पी में है, तो एच पी में है ए बी सी एच पी में है, तो इसको हमें हरात्मक माध्य निकालना है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम बता देते हैं, एच इजल टू होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ये एच वर हरात्मक माध्य को एच से इंडिकेट करते हैं, इसलिए फॉर्मूला बनाया है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन ये आया कैसे ये हम बता देते हैं, किस तरीके से आया ये बताते हैं। मान लेते हैं वन अपान ए वन अपान एच वन अपान बी इन एच पी में है, अगर ये एच पी में है तो इसको हम करेंगे ए पी में, तो ए एच बी, ये हो गया ए पी में, तो इस तरीके से ये ए पी में आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सार्वंतर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एच माइनस ए बोलें इक्वल टू बी माइनस एच बोलें, तो यानी कि ये डी के इक्वल है, यानी कि ए पी में क्या होता है सार्वंतर सेम होता है, तो आपस में एक दूसरे का जो डिफरेंस होगा वो डी के इक्वल होगा, इसलिए हमने ऐसे लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे एच को एक तरफ कर देते, एच प्लस एच एच प्लस एच इजक्वल टू ए प्लस बी, इसको इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा ये प्रोसेस है, आपको सीधे सीधे ए एच बी इन ए पी में है, इसको ऐसे रखिए, इस तरीके से राशि रखिए, अब इसको पलट दीजिए ए पी के फॉर्म में, वन अपान ए वन अपान एच वन अपान बी, ये हो गया ए पी के फॉर्म में, ए पी के फॉर्म में हो गया, इसको इस तरीके से लेना है, ए एच बी तीन राशियां हैं आपस में ए पी वो एच पी के फॉर्म में है, उसको हमने ए पी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमने क्या किया, वन अपान एच माइनस वन अपान ए वन अपान बी माइनस वन अपान एच, तो ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, तो वन बाई एच प्लस वन बाई एच और वन अपान बी प्लस वन बाई ए। अब देखिए इस तरीके से होगा, तो ये टू अपान एच हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब इस तरीके से हम इसको पलटेंगे, क्या आएगा एच बाई टू, और ये ए प्लस बी अपान नहीं, ये ए बी अपान ए प्लस बी हो जाएगा, इसको पलटेंगे ए बी ऊपर आ जाएगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इजल टू टू ए बी अपान ए प्लस बी, इस तरीके से फॉर्मूला निकला है, ये हरात्मक श्रेणी का एच इजल टू टू ए बी अपान ए प्लस बी निकला। क्यों पलटा, यहाँ पे एच है, तो इस तरीके से हमने इसका हरात्मक माध्य जो निकाला ए एच बी को हमने एच पी में रखा, इसको कन्वर्ट किया तो ए पी में आ गया, तो यहाँ पे सीधे एच की वैल्यू निकली है, एच की वैल्यू जो है टू ए बी अपान ए प्लस बी, तो इस तरीके से निकला। अगर हम इसको मान के चलो ये जो है टर्म्स है, ये जो है वन बाई एच इजल टू
ये जो है ए प्लस बी अपॉन टू ए बी हो जाता। तो ये किस में था, ये जो है वन बाई एच ए पी का, ए पी का समांतर माध्य होगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर हम इसको हरात्मक श्रेणी में लेंगे तो इसको पलटेंगे तो एच इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। तो पलटने पे आपका एच आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करने पे डायरेक्ट एच लिया है तो आपका ये सी में आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपका टू ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है। दो भी जब कोई दो राशियां, अगर तीन राशियां एच पी के फॉर्म में हैं और उनके बीच का अगर नहीं, दो राशियां अगर दो राशियां दी हुई हैं और उनके उन दोनों के बीच का हरात्मक माध्य निकालना है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा एच इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। जब दो राशियां दी होंगी यानी कि दो नंबर दी होंगे उनके बीच का हरात्मक माध्य निकालना है तब इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 8 और 14 का हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य को H मान लेते हैं। तो H इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे A जो है आपका 8 है, B जो है 14 है, तो 2 × 8 × b। तो ए प्लस बी जोड़ेंगे 8 + 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 काटते हैं तो क्या आएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 112 अपॉन 11। तो एच की भी जो वैल्यू आई वो इसका हरात्मक माध्य जो हुआ 112/11 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर जो हुआ हरात्मक माध्य जो निकलेगा वो ये निकलेगा। अब इसी तरीके से 15 और 17 का बताना है। तो 15 और 17 का एच निकालना है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 a कितना 15 × 17, a प्लस बी जोड़ेंगे कितना होगा, तो 32, तो 7 और 5 = 12 और इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 हो गया। 15 × 17 = 105, 10, 15 × 15 = 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हुआ, 25, 25/255/16 आएगा। इसका हरात्मक माध्य जो निकला ये निकला। तो इस तरीके से हरात्मक माध्य निकल जाएगा। अब इसी से थर्ड का देख लेते हैं। तो 1/15 और 1/21 का हरात्मक माध्य जो होगा वो H है। तो फार्मूला वही लगेगा, H बराबर 2ab/a+b। तो 2 लिया, ab कितना है, 1/15 × 1/21, a प्लस बी 1/15 + 1/21। सिंपल कर लेते हैं इसको, फार्मूले में वैल्यू पुट किया गया है 2, तो 15 × 15 = 5, 15 × 2 = 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 15 × 15 = 5, 1 बचा, 15 × 2 = 30 और 1 = 31। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेने पे यही आएगा, 21 इधर आएगा, 15 इधर आएगा। सिंपल करने पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2/ कितना आ जाएगा, 5 और 1 = 6, और 6 हो गया, और ये 1 और 2 = 3, तो कैंसिल करेंगे 2 2 = 18। तो कैलकुलेट करने पे कितना आया, तो हरात्मक श्रेणी का जो आंसर आया वो 1/18 आया। तो 2 से कैंसिल किया तो 2 + 2 दोनों 2 = 16, तो 36 का आधा होता है 18। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आया वो 1/18 आया। ये आपका इस तरीके से जब भी आपका दो राशियां अगर दी होंगी तो उनके बीच का हरात्मक माध्य निकालना होगा। तो फार्मूला आपको बस एक याद रखना है, तो H बराबर 2ab/a+b। ए जो होगी वो पहला टर्म्स होगा वो ए है, दूसरा टर्म्स जो है वो बी है।
तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए चौथा, 1/2 और 3/11 के बीच का 4 हरात्मक माध्य निकालना है। अब बात आती है यहाँ पे, इस टाइप में जब उनके बीच में 4 हरात्मक माध्य निकालना हुआ तब उस बेस पे कंडीशन बदल जाती है। तो यहाँ जब दो राशियाँ होती हैं उनके बीच का हरात्मक माध्य निकालना होता है तो फार्मूला बस ये एक ही लगता है, h=2ab/a+b। तो फार्मूला ये लगता है 2ab/a+b, और ये निकला कैसे ये भी बताया। तो बस ये फॉर्मूला लगाना है जब दो राशियों के बीच का हरात्मक माध्य निकालना हो, और जब दो राशियों के बीच में 4 हरात्मक माध्य निकालने हो तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1/11, 1/2। तो इनके बीच में 4 हरात्मक माध्य मान लेते हैं, तो क्या मानते हैं, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में 4 हरात्मक माध्य ले लिए, पहला हरात्मक माध्य 1/H1, दूसरा 1/H2, तीसरा 1/H3, चौथा 1/H4। तो ये हो गया 3/11। अब ये जो है ये HP के क्रम में है, हरात्मक श्रेणी में है, इसको हमें सिर्फ क्या करना है, AP के क्रम में लाना है। तो पलट देते 2 H1 H2 H3 H4 और 11/3। 1/2 था तो 2 कर दिए, 3/11 तो 11/3 कर दिए। तो ये इस तरीके से आपका ये AP क्रम में हो गया। अब AP क्रम की बात आ गई, यहाँ पे AP के रूल्स को फॉलो करेगा। पहला टर्म्स दिया हुआ है, पहला टर्म्स आपका A दिया है, दूसरा टर्म्स लास्ट टर्म जो दिया है वो 11/3 दिया है। तो फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे N क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 6। देखो इनके बीच में 4 हरात्मक माध्य हैं, 4 हरात्मक माध्य, इनके बीच में 4 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स ये हो गए, टोटल हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6 हो गई। फार्मूला बस लगेगा L=A+N-1×D। इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे, अंतिम टर्म्स जो है 11/3 है, पहला टर्म्स 2 है, पदों की संख्या 6-1 और डी कितना है, डी नहीं पता, इक्वेशन फर्स्ट डी नहीं पता, बस डी की वैल्यू निकालना है। 11/3 - 2 ये हो गया 5D। अब इसको सिंपल कर दे, 3 ये हो गया 6, 3 × 6 तो ये 5D। अब इसको 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आया, 3 ये 5D, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो D की वैल्यू आ गई 1/3, तो D की वैल्यू 1/3 आ गई, और A की वैल्यू आपको 2 पता है। अब ध्यान सुनिए, तो ये जो दूसरा टर्म्स है इसको हम क्या बोलेंगे, T2, समांतर श्रेणी का ये दूसरा टर्म्स है, दूसरा टर्म जो है वो H1 के बराबर होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, A+D। तो ये प्लस डी कितना है, 2 और 2 सही 1/3। तो इस तरीके से सिंपल करने में कितना आ जाएगा, 2 सही 1/3। इसको हम सीधे फ्रैक्शन पार्ट में लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 × 6 7/3 आ जाएगा, 1 3 3 × 6 7/3 आ जाएगा। इसी तरह से T3 लेते हैं, H2 के बराबर होगा, तो ये A+2D हो जाएगा, ये कितना है, ये है 2 2/3। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 1 3 लेंगे और भाग देंगे 3 3 × 6, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8/3, इस तरीके से आए 8/3। T4 देखते हैं, T4 जो है वो H3 के बराबर है, A+3D। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 और ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी, 1/3, तो ये हो गया 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरीके से 2+1 मिलके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, T5। तो पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, T2 ये इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ये वाला टर्म्स होगा T1 T2 T3 T4 T5, तो ये समांतर श्रेणी के टर्म्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये H1 जो है ये AP के क्रम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे बस इनके बीच का हरात्मक माध्य को इंडिकेट कर रहा है H से, जबकि एक्चुअल में हरात्मक माध्य को हमने ये माना है, तो ये AP का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य के रूल्स के हिसाब से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, T4 चाहिए और T5, A+4D। अब 4D हो गया, A कितना है, A की वैल्यू है 2 और
डी की वैल्यू है 4/3, डी की वैल्यू है 1/3, तो रखेंगे 4/3 के बराबर हो गया। अब ये एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 4, तो 10/3 एलसीएम जब लेंगे 3 होगा, सॉल्व करने पे 10/3 आएगा। तो इस तरीके से आपका H1 आ रहा है 7/3। तो आपको क्या चाहिए, सारे जो हैं ये समांतर श्रेणी के इन यानी कि 2 और 11/3 के बीच का समांतर माध्य जो निकला है वो 4 टर्म्स निकले। तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए इनको पलटना पड़ेगा। तो 1 बाई एच वन करने के लिए इसको हम 3/7 कह सकते हैं। 1 बाई एच टू के लिए तो H2 जो है इसको हम 3/8 कह सकते हैं। और 1 बाई एच थ्री के लिए इसको कह सकते हैं 1/3। और 1 बाई एच फोर के लिए यानी कि H4 कितना है, T5 जो है ये H4 के बराबर है, तो ये हो गया 3/10, संख्या हमने पलट दी। तो कुल मिला के क्या हुआ, AP के बीच का जो भी टर्म्स समांतर माध्य निकला था उस टर्म्स को हमने पलट दिया। तो हरात्मक श्रेणी का ये आपका इनके बीच के 4 हरात्मक माध्य निकलेंगे। पहला 1/H1 की जगह 3/7 हो गया, 1/H2 की जगह, तो इस तरीके से 1/2 कह सकते हैं, 3/7, 3/8 और 1/3, 3/10, तो 3/11। तो ये आपका पहला टर्म्स था, ये लास्ट टर्म। तो इनके बीच के जो 4 हरात्मक माध्य टर्म्स निकले वो ये निकला। तो तरीका वही है, टर्म्स को पलटना है, AP में कन्वर्ट कर दीजिए। आप उसी बेस जैसे हमने समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो रूल्स बताए थे उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।